नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इंफोसिस की स्टॉक के बारे में, जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है आपके सामने देखने को मिल रही है। एक्सेंचर के कल क्वार्टर थ्री के जो नतीजे आते हुए दिखाई दिए, जो कहीं ना कहीं इंडियन आईटी फर्म्स, इंडियन आईटी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल के दिन जो अर्निंग एक्सेंचर ने पेश की वो लोअर देन एक्सपेक्टेड थी। कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो थी उससे नीचे आता हुआ दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रही कि FY23 में चैलेंजिंग रह सकता है आईटी कंपनियों के लिए। आगे का जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो अच्छा नहीं रह सकता है। थोड़ी डिमांड यहाँ पे ग्रोथ में थोड़ी सी इंपैक्ट पड़ती हुई आपको डेफिनेटली देखने मिल सकती है। कल यहाँ जिस तरीके से कंपनी ने नतीजे पेश किए वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नीचे थे, और जिसके कारण स्टॉक में भी एक बड़ी तेज गिरावट जो थी वो लगभग देखने मिली। कल 4 से 5% तक स्टॉक जो था वो अमेरिका में टूटता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बनती हुई दिखाई दे रही है, कंपनी ने अपना जो है ग्रोथ गाइडेंस है, जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस है उसे घटा दिया। कहीं ना कहीं जो ग्रोथ का गाइडेंस कंपनी का 8 से 10% का था, तो अपर बैंड का जो गाइडेंस है वो 8 से 9% कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कॉन्स्टेंट करेंसी अगर आप यहाँ देख रहे हैं, 100 बेसिस पॉइंट से कंपनी ने अपना ये जो गाइडेंस है इसको घटाया है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सिग्नल है इंडियन आईटी कंपनी के लिए भी, कि यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम इंडियन आईटी कंपनी में भी देखने मिल सकती है। जिस कारण आज आपने देख रहा कि पूरी आईटी सेक्टर में कहने के थोड़ा दबाव के साथ कामकाज कर रहा था, और आई दबाव जो था वो इंफोसिस का स्टॉक लीड करता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत लंबे समय से अगर आप देखेंगे स्टॉक में आपको एक गिरावट देखने मिल रही है। 1265 के आसपास स्टॉक बंद हुआ, 1.29% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया है। दिन में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन सेकेंड हाफ तक पूरी रिकवरी खत्म होती हुई दिखाई दी, और दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके कहीं ना कहीं स्टॉक में क्लोजिंग देखने मिली है। 1672 का 52 वीक हाई है, वहां से बहुत ही दूर है, और ऑलमोस्ट 1185 का 52 वीक लो था उसके करीब जाने की कोशिश होती हुई दिख रही है। आज यहाँ पे हम बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ट पे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो इस स्टॉक में टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे आगे चल के थोड़ी वीकनेस और गहरा सकती है। अगले महीने इस कंपनी के क्वार्टर वन के नतीजे जो है वो आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो किस तरीके का इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, और क्वार्टर वन के नतीजे से पहले क्या ये स्टॉक और कमजोर होता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ेगा, इसके ऊपर भी आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक की ईपीएस आपको 58 के आसपास देखने मिल रही है, और 21.8 के आसपास की इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी रेशियो देखने मिल रहा है, जो कि सेक्टर पी ऑलमोस्ट 28 के आसपास चल रहा है। तो वहां से आपको एक अच्छे रेंज में देखने मिल रहा है। कोई भी करेक्शन होता है यहाँ पे अगर, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बैट है, लेकिन ट्रेडिंग बैट अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कहने के स्ट्रक्चर जो है थोड़ा वीक साइड पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे 7 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। मार्केट कैप जो है 5.25 लाख करोड़ के आसपास की देखने मिल रही है, लेकिन डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बहुत ही शानदार है 2.69% की। तो यहाँ कंपनी डिविडेंड बहुत ही शानदार देती है, जिसके कारण यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा सा अट्रैक्शन बना रहता है लोगों का। एक लंबा रनअप हुआ था कोरोना के क्रैश के बाद, लेकिन उसके बाद से ही थोड़ा एक करेक्शन जो है पिछले 1.5 सालों से स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो ये एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिख रहा था। जब पिछले क्वार्टर के इसके नतीजे आए थे तब एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद से ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। लोअर साइड में अगर आप देख रहे हैं 1225 की रेंज है, और अपर साइड में 1325-1330 की रेंज है। 100 रुपए की रेंज में पिछले 1-2 महीनों से ये स्टॉक कारोबार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज के दिन यहाँ इस स्टॉक में आपको एक रेंज देखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसने नीचे की सपोर्ट लाइन जो कि अभी सपोर्ट लेके चलता हुआ दिख रहा है तो उसको तोड़ा है। यहाँ पे अगर आप इसको 3 सपोर्ट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट के नीचे आज जाके इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था डाउन साइड में उसको आज ब्रेक किया इसने, और एकदम लोअर क्लोजिंग देते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब अगर सोमवार के दिन यहाँ आपको एक नेगेटिव ओपनिंग या नेगेटिव साइड में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका अगला सपोर्ट जो होगा पहला, वो कहीं ना कहीं आपको 1244-1245 की रेंज में दिखता हुआ दिखाई देगा, और अगर वो रेंज तोड़ देता है तो फिर इसकी जो लास्ट सपोर्ट रेंज होगी वो होगी 1224-1225 के आसपास की। अगर उसके नीचे ये स्टॉक जाता है तो फिर कहीं ना कहीं और एक नई रेंज खोलता हुआ दिखाई देगा, और फिर ये स्टॉक आपको और भी डाउनसाइड लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इस स्टॉक में एक कोशिश लग रही थी कि शायद यहाँ पे आपको एक बाउंस देखने मिल सकता है अपसाइड में, लेकिन 1300-1310 की रेंज में इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में करेक्शन देखने मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी जो है करेक्शन में लीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि क्या ये स्टॉक वाकई में 1225 के नीचे जाकर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, या फिर नतीजों से पहले ये स्टॉक 1325 निकाल के फिर से 1400 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे जब पिछले क्वार्टर के नतीजे आए थे एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली थी कहीं ना कहीं, और वो गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है। 1365 के इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ही स्टॉक
की ओपनिंग हुई थी, और उसके बाद तब से अगर आप देख रहे थे गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि ये गैप फिल होगा नहीं होगा, क्योंकि इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो कब बदलेगा, जब ये स्टॉक 1325 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे और वहां से ऊपर चलना चालू करे। तब अगर ऐसा लगता हुआ चालू होगा कि अगर 1325 के ऊपर चलना चालू करेगा तो हम मान सकते हैं कि ये स्टॉक फिर से एक बार 1400 1450 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है, और फिर Q1 के जो नतीजे आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि आगे इस कंपनी के स्टॉक की चाल किस तरीके से रहती हुई दिखाई दे सकती है। क्या ये स्टॉक वाकई में इतने लंबे एक पिछले 1.5 साल से जो करेक्शन यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है, 1950 तक के इस स्टॉक के हाई लगते हुए दिखाई दे, तो वहां से एक अच्छा खासा अगर आप देखेंगे करेक्शन हो चुका है, 1200 1250 की रेंज में स्टॉक आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप यहाँ ऊपरी लेवल से देख रहे हो तो एक अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के आसपास अभी ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है, और निचले लेवल से अगर आप देखेंगे कोरोना के बॉटम से तो ये स्टॉक अभी भी बहुत ऊपर देखने मिल रहा है, लेकिन वहां पे लगभग 500 रुपए का लो लगता हुआ दिखाई दे, तो उसके मुकाबले तो अभी भी 2 गुना से ज्यादा ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक के लिए एक अच्छी रेंज तब हो सकती है कि अगर ये स्टॉक एक बार 1100 1150 की रेंज में आता हुआ दिखाई दे तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म। अब देखना होगा कि ये स्टॉक क्या इस रेंज तक आता है नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 1225 की रेंज जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 1225 की रेंज अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक करेक्शन गहराती हुई दिखाई दे सकती है, और जो कि फिर बाकी आईटी स्टॉक्स को भी नीचे ड्रैग करती हुई दिखाई दे सकती है। फिर TCS हो, इंफोसिस हो, HCL टेक हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, या फिर और भी जो आईटी कंपनियां भारत में काम करती है, वो कहीं ना कहीं फिर उसमें आपको एक करेक्शन देखने मिल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आईटी सेक्टर के लिए कि इंफोसिस किस तरीके से कारोबार करता हुआ आगे चल के दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।